हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले मैग्नेटिक टेल डायग्राम -200। तो आप देख सकते हो, ये हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है। दिस इज़ अ BS4 वेरिएंट गाइस। तो हमें मॉडिफिकेशन के लिए ये कुछ इस टाइप से हमारे टेल टाइड है, आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पे इसको एक मैग्नेट दिया है और एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे। सो ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था, पर ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि क्या इसमें दो टाइप्स के आते हैं। तो हमने ये ऑनलाइन नहीं खरीदा है, हमारे यहाँ पे मार्केट में गए थे, क्योंकि क्या है ऑनलाइन में दो टेल टाइडी शो हो रहे थे और हमने वो देखा, पर वो स्मॉल थी थोड़ी। तो ये जो हमारे बाइक के जो स्क्रू लगाने की जगह है यहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं हुए, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए एक की ज़रूरत है कुछ इस टाइप से, कुछ ये बाइक के ये बोल्ट्स। सके तो आप इसका जुगाड़ कर सकते हो और एक छोटे मैग्नेट, ये आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका क्या यूज है। ये एक और ये मैग्नेटिक, ये राउंड वाले आपके पास दो ही हो गए तो भी चल जाएगा, एक में भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है। एक में क्या है, एक तो मेरे ख्याल से नीचे आएगी, फोल्ड नहीं होगी प्रॉपर होगी, पर वो जब बाइक आपकी गड्ढे में जाएगी तो नीचे आ जाएगी फिर। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए। पर वो स्मॉल है थोड़ी, वो फिट नहीं होगी यहाँ पे। हमने ऑनलाइन मार्केट से खरीदी, ऑनलाइन भी आपको ये मिल सकती है।
कर लेते हैं अभी। कमेंट करके बताइएगा इस किस किस के पास BS4 वेरिएंट है। और एक टेल डाइड आती है गाइस, तो थोड़ी छोटी रहती है तो यहाँ पे वो फिट नहीं होगी, इसकी जो की जगह है फिट नहीं होती करके हमने वो नहीं लिया, इसलिए हमने ऑनलाइन नहीं परचेस की। वो ऑनलाइन हमने ऑर्डर किया था वो भी टेल डाइड, तो वो ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया। तो ये फिजिकली जान अफ्तर मार्केट करी थी, इसकी कॉस्ट भी आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूँगा। ये बोल भी अच्छे से टाइट हो गए, तो कुछ इस टाइप से लुक आ रहा है आईडी का। आप साइड से इंस्टॉल कर सकते हो और ये फोल्ड इस टाइप से हो, ऐसे फोल्ड होती है। चलिए हम नंबर प्लेट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये बोल्ट्स गाइस आप फुल रहते हैं, इसको आप कट कर लीजिए नॉर्मली, क्योंकि क्या आपकी फिर नंबर प्लेट फोल्ड नहीं होगी। तो हमने ये थोड़े कट कर लिए अच्छी तरह से। आपको काफ़ी भी मिल जाएंगे नॉर्मल साइज के, आप दूसरी साइज भी ले सकते हो। क्योंकि क्या है, जब आप फोल्ड कर रहे हो तो आप देख सकते हो प्रॉपर फोल्ड तो हो रहा है, पर ये जो स्क्रूज है ये वाले, ये इसके
उसके वजह से प्रॉपर मैग्नेट पकड़ा नहीं है हमारा। तो आपको आफ्टर मार्केट नट्स भी मिल जाएंगे दूसरे, पर मैं नहीं चाहता था कोई बाइक के साथ, स्टॉक बाइक के साथ हम छेड़छाड़ करें, करके हमने ये जुगाड़ किया है नॉर्मल ये मैग्नेट्स के। सो ये हम ये मैग्नेट इंस्टॉल कर लेंगे इस टाइप से यहाँ पे। सो ये हमने दो लगाए क्योंकि क्या है, दो लगाने से प्रॉपर मैग्नेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या है, ये नॉर्मल आप गड्ढे में भी चलाओगे तो ये नीचे नहीं आएगी टेल्ड आपकी, बाकी आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गड्ढे में जाओगे तो आने ही वाली है। इस टाइप से फोल्ड हो गई टॉप पर, देख सकते हो प्रॉपर फोल्ड हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस कमेंट करके बताइए आपको लुक कैसा लग रहा है डेल्टा आईडी का। कमेंट करके बताइए ये स्टिकर कैसा लग रहा है गाइस, और आगे जाके बहुत सारी मॉडिफिकेशन आने वाली है ये बाइक के ऊपर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सामने से लुक दिखा देते हैं बाइक का, ये कुछ सामने से लग रही है हमारी बाइक ऐसे। एक्चुअली ऑलरेडी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं बाइक पे, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये हमने इस पे कुछ पार्किंग बल्ब्स इंस्टॉल की है, ये अभी तो डे करके ज़्यादा विजिबल नहीं दिख रहे, शाम में बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप देख सकते हो सामने से ये पार्किंग बल्ब हमने इंस्टॉल किए। और एक गाइस दिखाना चाहता हूँ मैं, ये कुछ इंडिकेटर्स भी है और ये कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, तो हम एलईडी डालने वाले जो डूब के आते हैं। और ये देखिए गाइस, ये कुछ यूनिक है। तो अगर आपको अगर इससे भी वीडियो चाहिए पार्किंग बल्ब्स और के साथ कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका, तो कमेंट कर दीजिए गाइस, अगला वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे, या तो आपको जिसके ऊपर चाहिए कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी मॉडिफिकेशन आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिसे मॉडिफिकेशन करना पसंद हो।